हेलो गाइस, आज मेरे पास है एक्सेल 100 जो कि इसमें प्रॉब्लम है करंट की, जो करंट इस बाइक में नहीं आ रहा। अगर आपकी एक्सेल 100 में करंट ना आए तो क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे? ठीक है, BS3 मॉडल है। ठीक है, इसमें करंट ना आए तो आप क्या क्या चेक करोगे? चाबी ऑन करता हूँ मैं और इसमें आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर किक का प्रयोग करेंगे, जो कि ये किक स्टार्ट है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है। जैसे हम किक मारेंगे, मार देखा आपने यहाँ पर इस बाइक में, आपने देखा कि इस बाइक में करंट नहीं आ रहा। करंट ना आए तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगी वो आपको बताऊंगा। क्या इसकी कॉइल, कौन सी कॉइल ख़राब है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है तो शॉर्ट आउट आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। ठीक है, मल्टीमीटर में आपको चेक क्या करना है, ये देख सकते हो लाल रंग की तार दिख रही है आपको। इसमें आपको वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज किस तरह चेक करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक हमें मल्टीमीटर की तार एक रेड रंग में तार में लगानी है, कहीं पर भी आप लगा सकते हो, आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, इस कपलर में। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की मैंने दोनों तार लगा ली हैं। देखिए, बैटरी को आपको वोल्टेज शो करके दिखाता हूँ कहाँ पर रखें। यहाँ पर हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, वहाँ पर आपको मल्टीमीटर सेट करना है। ठीक है, 12 वोल्टेज पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और एक आपको अर्थिंग, काली वाली अर्थिंग लगानी है और दूसरी रेड तार हमारी वहाँ पर लगानी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हमें किक का प्रयोग करना है। ये देखिए, जैसे हम किक मारेंगे तो इसमें वोल्टेज शो होगी मल्टीमीटर में। इस तरह आपकी मल्टीमीटर में वोल्टेज शो हो रही है तो आपकी जो वायरिंग में करंट आ रहा है वो वाली कॉइल ठीक है। कॉइल भी आपको मैं दिखाता हूँ, अगर वोल्टेज ना शो हो तो आपको कौन सी कॉइल चेक करनी होगी। ठीक, कॉइल कौन सी, मैं आगे आपको शो कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज शो हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना होगा, इसमें होती है पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल आपको तीन तरीके से चेक करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मल्टीमीटर सेट करना है बजर पर, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बजर पर सेट करना है, पीप का साउंड आता है। ठीक है, वहाँ पर आपको मल्टीमीटर सेट करना है। उसके बाद आपको जो मल्टीमीटर की तारें होती हैं, जो कि पिकअप कॉइल की कपलर में, आपको दोनों लगा लेनी है। इस तरह से लगाने के बाद आपको मल्टीमीटर में चेक करना है। देखिए, 400 तक ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, जिससे कि आपकी पिकअप कॉइल ठीक होगी। दूसरा, पिकअप कॉइल ख़राब होगी तो इसमें साउंड आने लगेगा, शॉर्ट हो चुकी है उस। ठीक है, तीसरा आपको इसमें क्या चेक करना है, बैटरी के यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, वहाँ पर मल्टीमीटर सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, वहाँ पर आपको मल्टीमीटर सेट कर देना है। उसके बाद आपको किक का प्रयोग करना है, जिससे कि यहाँ पर जो पिकअप कॉइल में वोल्टेज बनेगा वो हमारा मल्टीमीटर में शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पर किक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर में वोल्टेज शो होगा। अगर आप वोल्टेज शो नहीं हो रहा तो आपकी पिकअप कॉइल ख़राब है, तो इसे चेंज कर दे। तो इसमें सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सब कुछ ठीक है, जो कि हमारी पिकअप कॉइल भी ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है, जो कि हमारी इसमें ST कॉइल ख़राब है, जो कि आपने देखा होगा इसमें बैटरी नहीं होती है। ठीक है, इसमें कॉइल होती है, वो आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फाइनली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें न्यू ST कॉइल डालेंगे, फिर चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। फॉल्ट तो हमें मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पर ST कॉइल हमारी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, इसमें न्यू ST कॉइल असेंबल करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर न्यू ST कॉइल है, वो हमारी पुरानी ST कॉइल है। ठीक है, अग्निशन कॉइल बोल सकते हो या ST कॉइल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ असेंबल कर लिया। अब मैं आपको इसमें किक मार के इसमें करंट चेक करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो किक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर करंट स्पार्क होगा। ये देख सकते हो, लाइट मैंने बंद कर दी फ़ोन की, और यहाँ पर देख सकते हो करंट हमारा स्पार्क हो रहा है, जिससे कि इसमें प्रॉब्लम थी हमारी ST कॉइल या कनेक्शन कॉइल हमारी ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर आप देख, करंट हमारा आ चुका है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ उस कॉइल की, जो अगर आपकी लाल वाली रंग में तार में करंट ना आए तो उस, तो अगर आपके रेड वाली तार में करंट ना आए तो एक फ्यूज लगा होता है, उसको चेक करना होता है। उसके बाद हमारी एक कॉइल है, इस कॉइल को चेंज करके एक बार चेक करना होता है, जो कि आपका जो करंट है बाइक में, जो तार में करंट आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।